So, आज के वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ रिएजेंट की स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने पहला टॉपिक है टॉलेंस रिएजेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। डियर स्टूडेंट्स, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, रजत दर्पण बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर एक बात बताई जाए कि ये टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर ये सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर नाइट्रेट को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। अब ये टू मॉलिक्यूल हम सिल्वर नाइट्रेट के लेते हैं और टू मॉलिक्यूल ही हम यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि टू मॉलिक्यूल NH4 और टू मॉलिक्यूल NO3, तो यहां से क्या होगा, ये ट्वाइस NH4 NO3 यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये हमने यहां से बाहर निकाल दिए। अब हमारे पास क्या बचा, 2 Ag बचा है और OH कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। तो हमने OH2 को ऐसे लिख लिया, ये देखिए ऐसे, ठीक, और 2 Ag था उसको हमने यहां पर ऐसे लिख लिया। अब क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिया, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब क्या बचा, देखो 2 Ag और एक ऑक्सीजन, यानी कि Ag2O बचा, ये मैंने लिख दिया Ag2O। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। ये ग्रे कलर्ड का होता है और ये ग्रे प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये अवक्षेप होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए ये सिल्वर ऑक्साइड ही टॉलेंस रिएजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, अब ये जो Ag2O है, इस Ag2O को हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में हम इसको फिर से क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए यहां पर NH4OH कितने, 4 टाइम्स है, ये देखिए कितने टाइम है, 4 टाइम। तो आप बड़े आराम से देखिए कितने 4 टाइम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब भाई NH4 है तो आप चाहो तो NH4 कैसे लिख सकते हो, NH3 एंड H लिख सकते हो। तो चलो देखो मैं 4 टाइम लिख के बता रहा हूँ कैसे, ये देखिए NH3H, ये NH4 हो गया और साथ में मैंने OH भी लिख दिया। सिमिलरली फिर से देखिए NH3H और ये OH हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 बार हो चुका है, अब मुझे 2 बार और लिखना है। ये देखिए NH3HOH, एक बार और देखिए NH3HOH, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये 4NH4OH को मैंने 4 टाइम ऐसे लिख लिया, NH3H मतलब वही NH4 और OH ऐसा कैसे ही। तो यहां एक बात आप जरा समझना कि आपको करना क्या है, आप ये देखिए यहां पर कि वाटर मॉलिक्यूल हमको यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल आपको निकालना है। ठीक है, अब 3 वाटर मॉलिक्यूल क्यों निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आप ये देखिए 3 वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालना है। देखो एक तो आप यहां से निकाल दीजिए 1, एक आप यहां से निकाल दीजिए 2, ठीक है, और एक आप यहां से निकाल दीजिए ये 3, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल आपने क्या कर दिए, बाहर कर दिए। ठीक है, ये 3H2 क्या हो गया, बाहर हो गया। अब आपके पास याद रखिए Ag कितने बचे, 2, तो आपने 2 Ag लिख दिया। अब NH4 कितने बचे आपके पास, ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और 4, तो ये देखो 2 2 जा 4, तो NH3 भी कितने हो गए, 4 हो गए। अब जरा ध्यान से देखना आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, अभी एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है यहां पर, और आपको पता है कि हाइड्रोजन कितने हैं, एक तो ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। एक बार फिर से देखना, मैंने आपसे कहा कि आपको NH3 कितने निकालना थे, NH3 हमको 4 निकालना था। देखो एक तो NH3DR ये हो गया, एक NH3 ये हो गया, एक NH3 ये हो गया, एक NH3 ये, 4 NH3 बाहर हो गया। ठीक है, तो 2 2 जा 4 NH3 बाहर हो गए, 2 Ag ये 2 Ag और 2 2 जा 4 NH3 ये भी 4 NH3। अब जरा आगे चलो, वाटर मॉलिक्यूल कितने निकालना थे, 3, तो एक यहां से निकला, एक यहां से निकला और एक यहां से निकला। अभी ये HOH बाकी है ध्यान रखिएगा, और यहां से
आपको पता है कि ये ऑक्सीजन भी बाकी है, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, कितने ऑक्सीजन हो गए? टू। और हाइड्रोजन भी कितने हो गए? टू। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टू तो आगे लिखा ही है, तो अब यहाँ पर टू ओ एच नेगेटिव हो जाएगा, यानी टू वन जेड टू, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम डियर बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस अभिकर्मक है। अब होता ये है कि हमारे सामने इस समय है ये एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड के साथ हम क्या कराएंगे, ये टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो इस टॉलेंस रिएजेंट को हम क्या करते हैं, इस अल्कलाइड मीडियम में लेते हैं, यानी कि इस बेसिक मीडियम में लेते हैं, यानी कि इस क्षारीय विलयन में हम इसको लेते हैं, यानी कि ये जो ओ एच नेगेटिव का मतलब होता है, हम बेसिक मीडियम बोलते हैं इसको, अल्कलाइन मीडियम बोलो, बेसिक मीडियम बोलो, हिंदी में क्षारीय माध्यम बोलो। तो जब टेस्ट करना होता है तो हम इसको जरूर साथ में लेते हैं, किसके? टॉलेंस रिएजेंट में। आप जरा ध्यान से देखना कि टॉलेंस रिएजेंट में से इतना होता है, मगर हम यहाँ पर सिर्फ क्या ले रहे हैं, केटायन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं डियर? केटायन, ये देख रहे हैं आप, ये केटायन, ठीक है, ये ले लिया हमने इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता ही है कि ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इस टॉलेंट रिजेंट को हमने इसके अल्कलाइन मीडियम में ले ही रख लिया है, तो होता क्या है कि ये जो एल्डिहाइड है ये टॉलेंट रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये एल्डिहाइड इस टॉलेंट रिएजेंट से ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है, तो ये एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा। अब ये कैसे ऑक्सीकृत करेगा, तो याद रखना कि किस तरह करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जरा हमेशा याद रखना कि जब भी हम एल्डिहाइड के साथ ये अल्कलाइन टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है ये, यानी रजत दर्पण बनाता है। कैसे बनाता है जरा मैं आपको बताता हूँ। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ से 2 Ag को आप थोड़ा सा स्पेस दे के बाहर कर दो, आप इतना स्पेस दे दो, फिर प्लस लिख दो, और यहां से 2 Ag आप बाहर निकाल दो, ये आपने बाहर निकाल दिया। जब 2 Ag बाहर निकालोगे तो एरो नीचे की तरफ बनाना, क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है, PPT जिसको हिंदी में कहते हैं, अवक्षेप बनाता है ये। अब 2 2 जा 4, NH3 कितने हो गए? 4। आप 4 NH3 प्लस करके यहां पर आप 4 NH3 भी यहां बाहर कर देते हो, ये 4 NH3 भी बाहर हो गए। अब देखिए Ag चला गया, 2 2 जा 4 NH3 भी बाहर चले गए। अब इसके बाद आपका काम एक ही है कि जितने भी हाइड्रोजन हो उनको वाटर मोलिक्यूल बना के निकालो। तो हाइड्रोजन कितने? 3 ये और 1 ये, कितने? 4। तो 4 हाइड्रोजन है, इसके हाफ जो है वाटर मोलिक्यूल बनते हैं, इसके आधे जल के अणु बनते हैं, तो 4 के आधे 2, तो 2H2 आप बाहर निकाल दो। तो आपने ये 2H2 भी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब हाइड्रोजन पूरे यूज में आ चुके हैं, 3 N1 4, ये देखो 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितने यूज में आ चुके हैं? आपको पता है ऑक्सीजन जो है 2 यूज में आ चुके हैं। टोटल कितने थे? 3 और 1 4 थे। अभी कितने ऑक्सीजन बाकी है? आपको पता है 2 ऑक्सीजन बाकी है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बचा क्या क्या है, यहां से R बचा, C बचा, तो मैंने R लिखा और C लिखा। फिर आपको पता है 2 ऑक्सीजन बच गए थे, उनको लिख लो, ये लिख लिया। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। आपको पता है 3 नेगेटिव है ये और ये 2 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव में से 2 पॉजिटिव अगर चले जाएंगे तो 1 नेगेटिव बचेगा, तो वो नेगेटिव आप यहाँ लिख दो। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो है ये क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन है ये, इसको अल्काइल कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हो। तो ये है कार्बोक्सिलेट आयन। आपको मैंने बोला ना कि आप चाहो तो क्या अल्काइल कार्बोक्सिलेट बोल सकते हो या कार्बोक्सिलेट आयन भी बोल सकते हो, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट हो, है ना, ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है हमेशा? कार्बोक्सिलेट आयन में। ये ध्यान रखना एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करता है? कार्बोक्सिलेट आयन में। तो ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो एल्किल ये जो एल्डिहाइड था इसको हमने अल्काइल कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो Ag है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सिल्वर प्रेसिपिटेट, यानी कि रजत का अवक्षेप। और यही डियर बनाता है सिल्वर मिरर, यानी रजत दर्पण बनाता है। अब डियर एक बात है कि रजत दर्पण कैसे बनाता है, तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूं कि ये कैसे बनाता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आप इस बात को जानते हैं कि ये मान लो ये टेस्ट ट्यूब है डियर, जरा देखिए कैसे, ये टेस्ट ट्यूब है सपोज,
ये टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में आप एल्डिहाइड को लेते हैं। आपको पता है एल्डिहाइड जो है सॉलिड होता है, जैसे फिटकरी या मिश्री की तरह होता है, सॉलिड होता है, उसको एल्डिहाइड को आपने इसमें ले लिया। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एल्डिहाइड। ठीक है, और उसमें आपने क्या किया, वाटर भी आपने ऐड कर दिया, वाटर मतलब H2O भी आपने क्या कर दिया उसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड का क्या हो गया, ये सोल्यूशन बन गया। अब इसमें आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, इसके अंदर अब आप टॉलेंस रिएजेंट मिलाओगे। ये आपने क्या किया, ये टॉलेंस रिएजेंट मिला दिया, यानी कि इसमें आपने टॉलेन अभिकर्मक मिला दिया। मिलाने के बाद आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे। टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे तो जो पूरा सॉल्यूशन है, जो कि पहले वाटर की तरह कलरलेस था, आपने टॉलेंस रिएजेंट मिलाया, जब उसको हीट करोगे तो पूरा सॉल्यूशन जो है वो ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, पूरा सॉल्यूशन जो है वो ब्लैक हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन तो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, ये हो गया ब्लैक ब्लैक, है ना। लेकिन ये जो वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब है, यानी कि इस परख नली की जो दीवार है, इस पे सिल्वर पार्टिकल जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, इस पे चांदी के कण जो है वो क्या हो जाएंगे डियर, जमा हो जाएंगे। ये देखिए ये एजी पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इस पे जमा हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं डियर इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि सिल्वर पार्टिकल जब टेस्ट ट्यूब की वॉल पर स्टिक कर देते हैं, चांदी के कण जो है परख नली की दीवार पर चिपक जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजत दर्पण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब सिल्वर के पार्टिकल इस टेस्ट ट्यूब की वॉल से, है ना, चिपक जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट देता है। अब यार एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो टेस्ट है टॉलेंस रेजेंट, ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है, ये दोनों ही देते हैं। क्या एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये टेस्ट दोनों ही देते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ कीटोन कभी भी कोई टेस्ट नहीं देता। फिर से सुनो, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस अभिकर्मक के साथ ये टेस्ट देते हैं, ये परीक्षण देते हैं, मगर कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, ये कोई टेस्ट नहीं देता। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात और देखो, क्या होता है कि अगर हम चाहें तो लेबोरेटरी में भी टॉलेंस रिएजेंट को बना सकते हैं। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, AgNO3 है, आप AgNO3 पहले ले लो, उसमें NH4OH मिला दो, और अल्कलाइन करने के लिए उसमें आप NaOH भी ऐड कर दो। तो जब ये तीनों को ऐड करोगे तो ये टॉलेंस रिएजेंट बन जाएगा। अब इसका यूज कर सकते हैं आप टॉलेंस टेस्ट के लिए, यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी रजत दर्पण बनाने के लिए आप इस टेस्ट का यूज कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट एक बात जरा ध्यान से सुनो, कि कोई अगर आपसे पूछता है कि ये टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो आपको डेफिनेशन है ना, यहां से दे सकते हैं आप डेफिनेशन। कैसे, देखो आप बोलोगे ये अमोनिकल, यहां से ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, ये अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, ये अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, बस आपको इतना ही तो कहना है। तो ये देखा आपने कि ये टॉलेंस जो रिएजेंट था वो आपको समझ में आ चुका है। इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है फैलिंग सॉल्यूशन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये फैलिंग सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फैलिंग विलयन। अब ये जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है, ये डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है, यानी कि गहरे नीले रंग का ये जली विलयन होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से सुनो, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि फैलिंग सॉल्यूशन जो है ये डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है, ये गहरे नीले रंग का क्या विलयन होता है। अब ये ध्यान रखना कि फेलिक सॉल्यूशन जो है ये फेलिक ए और फेलिक बी से मिलकर के बनता है। फेलिक ए की 50% क्वांटिटी और फेलिक बी की 50% क्वांटिटी हम लेते हैं
और उससे हम फेलिक सॉल्यूशन को बनाते हैं। अब फेलिक ए में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट का जरिए विलयन होता है। और फेलिक बी में क्या होता है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको कि हम रोशेल सॉल्ट बोलते हैं, इसका फार्मूला है NaKC4H2O6, ये रोशेल सॉल्ट का फार्मूला है। तो आपको समझ में आ गया कि फेलिक ए में एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है और फेलिक बी में अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसको कि हम रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। हिंदी में सुने, फेलिक विलयन फेलिक ए फेलिक बी से मिलकर बनता है। फेलिक ए में जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और फेलिक बी में क्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, और इस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को ही हम रोशेल सॉल्ट बोलते हैं, जिसका सूत्र है NaKC4H2O6। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो ये फेलिक सॉल्यूशन है, ये फेलिक सॉल्यूशन ये सिर्फ एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं उसके साथ ये टेस्ट देता है, मगर एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ ये फेलिक सॉल्यूशन कोई टेस्ट नहीं देता। फिर से सुनो, फेलिक सॉल्यूशन केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ये कोई टेस्ट नहीं देता, ये याद रखने की जरूरत है। अब इसकी रिएक्शन होती कैसे है ये ध्यान रखो। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या ये टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करता है, उसी तरह से जितने भी यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे, चाहे वो बेंडिक सॉल्यूशन हो चाहे वो फेलिक सॉल्यूशन हो, वहाँ पर भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन में ही कन्वर्ट होगा, ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, देखिए कैसे, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से। तो चलिए देखिए किस तरह होगा ये हमारे पास सपोज ये एल्डिहाइड है और ये हमने ले लिया फेलिक सॉल्यूशन, ये देखिए, और अल्कलाइन करने के लिए हमने यहाँ पर OH नेगेटिव यानी NaOH ले लिया। अब जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है तो कैसे होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, क्या सुनो ध्यान से समझ रहे हैं, कि जितने भी हाइड्रोजन हो उनको वाटर बना के निकालो, यहाँ 5 हाइड्रोजन एंड 1 तो 6 हो गए, अब 6 का हाफ क्या 3 होता है, तो 3H2 बाहर निकाल दो, ये आपने 3H2 निकाल दिया, अब पूरे हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गए, खत्म हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि RCHO हमेशा RC00 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, RC00 नेगेटिव में। तो R ये लिखा हमने, फिर ये C ये लिखा, ये ऑक्सीजन हमने लिखा, फिर एक ऑक्सीजन इसमें से ले लो, ठीक है, और ये हमने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अब आप इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि टोटल ऑक्सीजन कितने यूज हो गए, 3A और 2A, टोटल कितने हो गए 5, और हमारे पास कितने 5 और 1 6 ऑक्सीजन है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन बच गया, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ पर CU कितने हैं 2 हैं, तो उसको मैंने क्या लिख लिया, CU2 लिख लिया। ठीक डियर, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, सर यहाँ पर नेगेटिव का समझ में नहीं आ रहा, तो सुनो ये 5 नेगेटिव है यहाँ पर और 2 2 जा 4 पॉजिटिव, अब 5 नेगेटिव में से 4 पॉजिटिव जाएंगे तो एक नेगेटिव बचेगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डियर ये नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, अब आप इसको कैसे समझाएंगे, देखो आप इसको ऐसे कहेंगे कि जब एल्डिहाइड में हम फेलिक सॉल्यूशन को मिलाते हैं, यानी कि फेलिक सॉल्यूशन को हम इसमें डालते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्यूपरस ऑक्साइड बन जाने की वजह से उसका रेड प्रेसिपिटेट आता है, यानी कि ये एल्डिहाइड जो शुरू में कलरलेस था यानी रंगहीन था, अब वो लाल रंग के अवक्षय में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, क्यों, क्योंकि वो CU2O बना लेता है और CU2O को हम लोग बोलते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो मैं आपको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में फिर से एक बार और समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक डियर, चलिए अब हम बात करेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की। तो देखिए डियर, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ तो टेस्ट देता है, मगर एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ ये कोई टेस्ट नहीं देता। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी वैसा ही है जैसे फेलिक सॉल्यूशन था, इसकी रिएक्शन भी वैसे ही होती है जैसे फेलिक सॉल्यूशन के साथ हुई थी, तो इसीलिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को आप इजीली समझ सकते हो। कैसे, सुनो, इसमें क्या होता है कि ये एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये जलीय कॉपर सल्फेट
का विलयन होता है, और साथ में ये अल्कलाइन सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन होता है। इसके साथ में क्या होता है, अल्कलाइन सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन यानी क्षारीय सोडियम सिट्रेट का विलयन होता है। और आपको बता दूं मैं, सोडियम सिट्रेट का जो फार्मूला होता है Na3C6H5O7 होता है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज काहे के लिए होता है, मैंने बताया ना, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके करता क्या है, वही पुरानी बात कि एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखो कैसे, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये देखिए, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वही पुरानी बात, बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है। सुनो, जितने भी हाइड्रोजन हो उनके हाफ वाटर मोलिक्यूल बनाएंगे, बना लो। देखो, तो 5 हाइड्रोजन ये और 1 ये वाला 1, तो 6 हो गए। 6 का हाफ 3 होता, तो 3H2 आपने बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है, तो क्या होगा, आर सी फिर ये वाला ओ, और एक ऑक्सीजन इससे ले लो, ले लो और नेगेटिव लगा दो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब आपको पता है एक बात कि ऑक्सीजन कितने अभी तक यूज में आ चुके हैं, 2 और 3, 5 यूज में आ चुके हैं, है ना। और इधर ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 5 और 1, 6 है, तो 5 यूज में आ चुके हैं, एक ऑक्सीजन बचा है डियर अभी, तो आपने ऑक्सीजन को यहां लिख लिया। अब सीयू कितने बाकी है, 2, तो आपने Cu2O कर दिया। इसी को हम लोग बोलेंगे क्यूप्रोक्स ऑक्साइड, और क्यूप्रोक्स ऑक्साइड बन जाने की वजह से कलर जो होता है वो क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कि लाल रंग का अवक्षेप का निर्माण करता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट एक बात जरा सोचो दिमाग से, इसकी जो रिएक्शन आपने देखी ये बिल्कुल सेम यही रिएक्शन है। ये देखिए यहां पर जो कि आपने अभी फेलिक्स सॉल्यूशन में पड़ी थी, ये देखिए, इस रिएक्शन को देखिए, ये वही है, और यहाँ पर भी डियर देखिए, ये वही है। इसका मतलब एक ही रिएक्शन को हम 2 बार समझ चुके हैं, तो आपके लिए भी समझना बहुत आसान रहा होगा, ठीक है। चलिए डियर, हम आगे चलते हैं। इस समय पढ़ रहे हैं शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट अभिकर्मक पढ़ रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो शिफ्ट रिएजेंट है ये है क्या, तो चलो शुरू करते हैं। ये शिफ्ट अभिकर्मक है क्या, देखो, ये रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का पिंक कलर्ड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। सुनो, ये रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का पिंक कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का गुलाबी रंग का जली विलयन होता है, जिसमें जब हम SO2 गैस को पास करते हैं तो ये पिंक कलर इसका गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, और ये कलरलेस हो जाता है, ये कलरलेस हो गया। फिर इस कलरलेस शिफ्ट रिएजेंट को जब हम एल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं, इस एल्डिहाइड से अभिकृत कराते हैं, तो इसका पिंक कलर फिर से आ जाता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जिससे रिएक्शन हुई है वो क्या है, एल्डिहाइड है। अगर हम कीटोन लेते फिर इसको रिएक्ट कराते तो कीटोन के साथ ये कोई रिएक्ट नहीं करता, यानी इसका जो कलरलेस है ये रंगहीन है, ये रंगहीन ही रहता कीटोन के साथ, ठीक है। तो अब आप ये जान चुके हैं, फिर से मैं बराबर आपसे एक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आपको ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता है। देखिए कैसे, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4, इनको हम स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अभी हमने बात की टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, फिर हमने बात की बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की, फिर हमने बात की फेहलिंग सॉल्यूशन की, फिर हमने बात की शिफ्ट रिएजेंट की, ये सारे के सारे जो होते हैं ये माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में कहते हैं इनको हम दुर्बल ऑक्सीकारक, इसीलिए ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर सकते हैं, मगर कीटोन की ऑक्सीकृत
दही कर सकते हैं। ठीक डियर, अब देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में पता चला होगा आपको किसकी भी ट्रिक होती है कैसे, वो ट्रिक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये एल्डिहाइड और कीटोन में हम इन रिएजेंट का किस तरह से यूज़ करते हैं वो देख लीजिए आप। वो ट्रिक ऐसे है, ये देखिए, शादी फेरे तब बारात, शादी फेरे तब बारात, ए पलंग पर रोकर सो गया राम। अब ये जो ट्रिक है, शादी फेरे तब बारात ए पलंग पर रोकर सो गया राम, इसको एडजस्ट कैसे करना है ये बता देता हूँ। देखो आप ऐसे लिखना, शादी फेरे तब बारात ए पलंग पर रोकर सो गया राम। अब जरा देखिए ये पूरी ट्रिक हो चुकी है, शादी फेरे तब बारात ए पलंग पर रोकर सो गया राम। इसका मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, आप समझ जाएंगे। शिफ रिएजेंट एल्डेट के साथ पिंक कलर देता है, फेलिंग सॉल्यूशन एल्डेट के साथ रेड कलर देता है, टोलेंस रिएजेंट एल्डेट के साथ सिल्वर मिरर ट्रेस देता है, बेंटिक सॉल्यूशन एल्डेट के साथ रेड कलर देता है। हिंदी में देखिए, शिफ अभिकर्मक एल्डेट के साथ पिंक यानी गुलाबी रंग देता है, फेलिंग विलयन एल्डेट के साथ रेड यानी लाल रंग देता है, टोलेंस रिएजेंट एल्डेट के साथ सिल्वर मिरर रजत दर्पण देता है, बेंटिक सॉल्यूशन एल्डेट के साथ रेड कलर यानी लाल रंग देता है। तो ये प्रीवियस वीडियो में आपने जरूर इस ट्रिक को देखा होगा, इसलिए मैंने इसको एक बार और रिपीट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा एक छोटा सा वीडियो अभी जिस पर बनाया गया था, वो था टॉलेंस रिएजेंट, बेंटिक सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एंड शिफ रिएजेंट। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।